Hello students, myself Rajeshwari Vishwajit Dhotre. I've done my master's in economics. I've done my B.Ed from Pune University. I teach economics in BMCC College, which belongs to Deccan Education Society. Along with that, I teach economics in Success Mantra Academy. I'm one of the directors of Cosmos Cooperative Bank. And I'll be teaching you economics for CA Foundation course. I'll be starting with the topic Chapter 2, that is Theory of Demand and Theory of Supply. And in that, I'll be teaching you Unit 1, that is Law of Demand and Elasticity of Demand. The main teaching points of this Unit 1 is the introduction to the Law of Demand. हम लोग introduction पढ़ने की कोशिश करेंगे demand concept को. मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि demand और supply कितना ज़रूरी है हमें समझने के लिए market oriented economy. उसके साथ ही हम थोड़ा मीनिंग ऑफ डिमांड समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन बताने वाली हूँ जो हमें प्रोफेसर बेनहम ने दिया है. फिर हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. जो वेरिएबल्स है वो जो लॉ ऑफ डिमांड को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है या इन्फ्लुएंस करती है वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. और बाद में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं और वो भी हम लोग इन डिटेल्स पढ़ने वाले हैं. आप लोगों को पता ही है कि लॉ ऑफ डिमांड प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है और इन सारे फैक्टर्स का, इन सारे घटकों का हमारे सीए करियर से या आगे जाके आपके क्लाइंट्स को आप किस तरह परस्यू करेंगे इसके लिए बहुत ज़रूरी है. इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपको अगर सॉल्यूशंस देना है आपके क्लाइंट्स को जब आप सीए बनोगे या आप अपना बिजनेस खोलोगे, आप अपनी फर्म चलाओगे, तो किस तरह डिमांड और सप्लाई बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं या बहुत ही ज़रूरी फोर्सेस ऑफ मार्केट हैं. तो हम लोग एक एक करके थोड़ा हम उसके डिटेल में जाएंगे. आई एम गोइंग टू टीच बिजनेस इकोनॉमिक्स इन सीए फाउंडेशन कोर्स विच बिलोंग्स टू सक्सेस मंत्रा एकेडमी. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन सीए फाउंडेशन कोर्स विच इज़ डिवाइडेड इंटू पार्ट वन एंड पार्ट टू. वन इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड पार्ट इज़ business and commercial knowledge. We are going to start with business economics and then in that we are going to start with demand analysis. And before we start the topic in details, I want to start with a quote. Teach a parrot the terms supply and demand and you have an economist. वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको economist बनना है या तोते को भी बनाना है तो अपने को सप्लाई और डिमांड ये दोनों फोर्सेस समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो वो उन्होंने 19th सेंचुरी में एक हिस्टोरियन ने बताया था. इसलिए मैं वापस एक बार बोलूँगी आप लोगों को कि ध्यान से सुनिए. टीच द पैरेट द टर्म्स सप्लाई एंड डिमांड एंड यू हैव एन इकोनॉमिस्ट. तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ. मैं आपको इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करूँगी डिमांड के बारे में. यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इन ऑर्डिनरी सेंस वी इक्वेट डिमांड विद डिज़ायर. वो बोलने की कोशिश करिए डिमांड और इच्छा शक्ति एक साथ जाती है. डिमांड मतलब ही इच्छा. ये बोलने की कोशिश करिए एक कॉमन मैन के लिए डिमांड मीन्स इच्छा होती है. पर अब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हम दोनों चीज़ों को, दैट इज़ डिमांड और डिज़ायर को, अच्छी तरह डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं. इकोनॉमिक्स में डिमांड बहुत ही अलग बात है और हमारे रोज़मर्रा जीवन में डिज़ायर का मतलब अलग है, विशेष का मतलब अलग है. हम बोलते वक्त बोलते हैं कि डिमांड और डिज़ायर एक साथ जाता है पर ये सच्चाई नहीं है. डिमांड अलग है और डिज़ायर अलग है. इसलिए मैंने लिखा है इन ऑर्डिनरी सेंस वी इक्वेट डिमांड विथ डिज़ायर. डिमांड की बेसिस क्या है? व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड? यूटिलिटी. हम कब चीज़ें मांगते हैं, कब गुड्स और सर्विसेज बाय करते हैं? जब उसका कुछ उपयोग हो, उसका कुछ यूटिलिटी हो. इसलिए यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड. अगर यूटिलिटी नहीं होती गुड्स और सर्विसेज में तो हम चीज़ें डिमांड करते, हम बाय करते नहीं. इसलिए यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड. डिमांड एनालिसिस इज कंसर्न विद कंज्यूमर्स बिहेवियर. डिमांड एनालिसिस जो है वो बायर्स के साथ एसोसिएट होता है. डिमांड साइड अपने कस्टमर्स के साथ एसोसिएटेड होता है और डिमांड साइड थियोरी ऑफ डिमांड के कारण हम अपने कस्टमर्स की साइकोलॉजी, कस्टमर का बर्ताव अच्छी तरह समझ पाते हैं.
इसलिए मैंने लिखा है डिमांड साइड इज कंसर्न विद द कंज्यूमर्स बिहेवियर। मैंने बोला कि मैं आपको लोगों को लॉ ऑफ डिमांड बनाने वाली हूँ। तो लॉ ऑफ डिमांड किस चीज के साथ मैंने एसोसिएट किया है? सीसॉ, जो आप लोग गार्डन में देखते हो। इसे मैं लिखा यू कैन सी और यू कैन एसोसिएट लॉ ऑफ डिमांड विथ सीसॉ। सीसॉ जब आप पिक्चर देखते हो स्टूडेंट्स, तो आपको क्या सामने दिखता है? व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, एक साइड नीचे है तो दूसरी साइड अप है, ऊपर है। व्हेन वन साइड इज डाउन द अदर साइड इज अप। तो डिमांड बोले तो सबसे दो एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा उसको महत्व है या उसकी अहमियत है, वो है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस नीचे होती है, व्हेन प्राइस नीचे होती है तो डिमांड ऊपर होती है, और जब प्राइस ऊपर होती है तो डिमांड नीचे होती है। वैसे ही कुछ हाल है अपने लॉ ऑफ डिमांड का, इसलिए मैंने सीसॉ चित्र दिखाकर आपको सिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट, अब मैं आपको मीनिंग ऑफ डिमांड बताने चाहती हूँ। लेमन, लेमन्स लैंग्वेज मीन्स क्या? एक कॉमन मैन के भाषा में और भाषा में हम बोलने की कोशिश करें कि डिमांड रिफर्स टू अ डिजायर और अ वांट फॉर अ गुड। मीन्स एक इच्छा, एक इच्छा किसके लिए? तो गुड और सप्लाई सर्विस के लिए। सो डिमांड रिफर्स टू व्हाट? डिजायर और अ वांट फॉर अ गुड। ओके, अपनी इच्छा। बट डिमांड डिफर्स फ्रॉम डिजायर। ये कॉमन मैन के भाषा में हुआ कि डिमांड मीन्स डिजायर और अ वांट फॉर अ थिंग, बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्म डिजायर कंप्लीटली। ओके, तो वो क्या है? वो इकोनॉमिक्स में डिमांड को क्या कहते हैं? हमें यहाँ पर तीन घटकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थ्री एलिमेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कंप्लीट द कंसेप्ट डिमांड। व्हाट इज दैट? डिमांड इज इक्वल टू इफ डिजायर, और वी कैन से रादर इफेक्टिव डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे प्लस एबिलिटी टू पे। सो ये जब तीनों चीजें एक साथ आती है तब जाकर ये कंसेप्ट डिमांड आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ओके, सो आई जस्ट रिवाइज गाइज, वॉट इज डिमांड? डिमांड इज इक्वल टू इफेक्टिव डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे प्लस एबिलिटी टू पे। आई एम वेरी श्योर आप लोगों को समझ में आ रही है डिमांड और डिजायर में किस तरह का फर्क है, डिमांड किन चीजों से बनता है। थोड़ा हम मीनिंग ऑफ डिमांड में जाएंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे डिमांड कंसेप्ट समझने के लिए। मियर डिजायर और अ वॉन्ट इज नॉट डिमांड इन इकोनॉमिक्स। अ डिजायर कैन बिकम अ डिमांड। डिजायर कब डिमांड बन पाती है? जब ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल होती है। सो कौन सी वो दो कंडीशंस है? एक एबिलिटी टू पे और दूसरी विलिंगनेस टू पे। मीन्स एबिलिटी टू पे का मतलब क्या है? अपनी हैसियत पे करने की, और विलिंगनेस इच्छा होनी चाहिए। पैसा होके भी लोगों को इच्छा नहीं होती है पे करने की, पर यहाँ पर इच्छा होनी भी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके इच्छा किसके लिए? पे करने के लिए। इसलिए उन्होंने बोला कि दो कंडीशंस की, एबिलिटी टू पे मीन्स हैसियत, उसके साथ ही इच्छा शक्ति पे करने की। सो एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द कंसेप्ट डिमांड अलॉन्ग विथ डिजायर। हम यहाँ पर जो दो कंडीशंस है, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे, ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एबिलिटी टू पे का मतलब क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। एंड ये जो परचेजिंग पावर है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कंज्यूमर्स इनकम के ऊपर है। हम कब चीज़ें बाय कर सकते हैं? जब हाथ में हमारे पैसे हो, हमारा इनकम अच्छा हो। तो जब हमारे पास पैसा है और इनकम है, तभी जाके हम ये कंडीशंस फुलफिल कर पाती हैं, दैट इज एबिलिटी टू पे। तभी जाके हम एक चीज बाय कर पाते हैं, और वो जो इनकम मैं आपको बता रही हूँ वो अपनी हैसियत दिखाते हैं, आपकी हैसियत बताते हैं कि हम ये परचेज कर पाएंगे कि नहीं, हम ये खरीद पाएंगे कि नहीं। इसलिए परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर एंड अलॉन्ग विद दैट इज इनकम। मीन्स वॉट? परचेजिंग पावर डिपेंड्स ऑन वॉट? द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये एबिलिटी टू पे का जो कंसेप्ट है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके भी समझाना चाहती हूँ। एक है अ बेगर्स डिजायर टू हैव अ लंच इन अ सेवन स्टार होटल कैनॉट बिकम अ डिमांड।
एज ही हैज नो अबिलिटी टू पे। आप सोचिए, एक रस्ते के भिखारी को 5 स्टार में खाना खाने जाना है या 7 स्टार में खाना खाने के लिए जाना है, वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है लेने के, पर इच्छा तो है। इसलिए मैंने बोला है, अ बेगर्स डिजायर टू हैव अ लंच इन अ 7 स्टार होटल कैनॉट बिकम डिमांड बिकॉज ही हैज नो अबिलिटी टू पे। वो भिखारी के पास इच्छा है पर पैसा नहीं है, इसलिए वो डिमांड नहीं, हम उस चीज को या उस इच्छा को डिमांड नहीं बोल सकते हैं। दूसरी कंडीशन जो मैंने स्ट्रेस की है वो विलिंगनेस टू पे और विलिंगनेस टू परचेस। वो क्या है? कंज्यूमर शुड बी रेडी टू पार्ट विथ मनी। ये भी मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। माइजर्स डिजायर टू ओन अ कार वुड ओनली रिमेन अ डिजायर इफ ही लैक्स द विलिंगनेस टू पे दो ही हैज द एबिलिटी टू पे। माइजर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कंजूस, कंजूस आदमी। पैसा है, थोड़ी सी इच्छा भी है, पर हम बोलते हैं ना, दानत नहीं है। अगर वो है तो वो डिमांड में नहीं हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। जब इंसान में इच्छा भी है, दानत भी है और हैसियत भी है, तब जाके ये डिमांड कंसेप्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा विलिंगनेस टू पे में, कि इच्छा होने के बावजूद एक भिखारी 7 स्टार में खा नहीं सकता और इसके कारण वो डिमांड कंसेप्ट अपूरा रह जाता है। और दूसरे में हमने देखा, पैसा है पर दानत नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है अपने पैसे निकाल कर उस पर स्पेंड करने की, वो कंजूस आदमी ने जो हमने देखा एग्जाम्पल्स में, इसके कारण वो डिमांड कंसेप्ट क्लियर नहीं होती या डिमांड कंसेप्ट पूरी नहीं होती। इसलिए इकोनॉमिक्स में उन्होंने इच्छा और डिमांड दो अलग बताई है। और डिमांड कंप्लीट करने के लिए इकोनॉमिक्स में हमें किस 3 चीज़ों की ज़रूरत है? इफेक्टिव डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू प्ले एंड एबिलिटी टू पे। नाउ वी लर्न द डेफिनेशन ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू बेनहम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। ओके, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जब प्राइस की शुगर 30 रुपये होती है, वेन द प्राइस ऑफ शुगर इज ₹30 पर के जी, 30 रुपये किलो है, तो डिमांड का कितना है उसके लिए? 10 kgs पर वीक। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, कि टाइम और प्राइस कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं डिमांड कंसेप्ट में। और इस डेफिनेशन के साथ हम दो फीचर्स के भी हाईलाइट करूंगी मैं डिमांड कंसेप्ट पे। कौन से दो फीचर्स हमें दिखाई दे रहे हैं उस डेफिनेशन के कारण और एग्जाम्पल के कारण, कि डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। तो रिलेटिव का मतलब क्या है? डिमांड किसी से तो रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है? प्राइस और टाइम से, सो इट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव कंसेप्ट। सेकेंड में मैंने बताया ही है कि डिमांड इज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। और ये फीचर्स और थोड़े डिटेल्स में समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। अब मैंने क्या कहा आप लोगों से, कि दो एलिमेंट जैसे प्राइस और टाइम दोनों बहुत ज़रूरी है डिमांड के लिए। उसमें से पहले हम टाइम रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 100 cars पर डे, 1000 cars पर वीक। और प्राइस के लिए मैंने क्या दिया है एग्जाम्पल? यू विल बी विलिंग टू परचेज अ पेन फॉर ₹10। आप ₹10 में जब आपको पेन अवेलेबल है, आप बाय करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है बाय करने की, बट यू मे नॉट बाय द दैट पेन इफ द प्राइस इज ₹100। और वही पेन अगर 10 से ₹100 का बन जाए तो आप बाय नहीं करना चाहते। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि डिमांड इज एक्सप्रेस्ड विथ द हेल्प ऑफ टाइम एंड प्राइस। मैं आई एम वेरी श्योर आप लोगों को दोनों चीजें समझ में आ रही और समझ आ गई है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे डिमांड स्केड्यूल के साथ। अभी डिमांड स्केड्यूल क्या बताना चाहता है? इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। और इस डिमांड स्केड्यूल में दो चीजें आती है, वैयक्तिक और बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, और दूसरा है मार्केट डिमांड स्केड्यूल, मीन्स बाजार से बाजार में टोटल मार्केट डिमांड, बाजार डिमांड स्केड्यूल, मार्केट डिमांड स्केड्यूल में, कि
कितनी डिमांड है कंज्यूमर्स की टोटल मार्केट में, और मैं उल्टा बोलूंगी आप लोगों को, मार्केट में टोटल जितने सारे कंज्यूमर्स हैं उनके मिला के जो डिमांड होती है उसे हम मार्केट डिमांड बोलेंगे। वो हम जो मार्केट डिमांड और जो वैयक्तिक डिमांड, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, हम दोनों पढ़ने वाले हैं, पर एक स्केड्यूल के साथ, एक टेबल फॉर्मेट में। तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता चलेगा इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों टर्म्स क्या है। पहले पढ़ेंगे हम लोग इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, एक आदमी का, एक इंसान की डिमांड स्केड्यूल। तो क्या है वो? इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक आदमी की डिमांड कितनी है वो हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड में। किस तरह एक आदमी सोचता है प्राइस और टाइम को लेकर, इसलिए आप पिक्चर में देखोगे कि एक आदमी एक अपने सेलर से एप्पल्स खरीद रहा है, आपको एक ही इंडिविजुअल दिखा रहा है। तो अभी वही इंडिविजुअल के बारे में हम थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो एक आदमी की या एक कस्टमर की डिमांड क्या है जो हम पढ़ेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे? हम एक स्केड्यूल के साथ पढ़ेंगे, एक टेबल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ मैंने एक टेबल तैयार किया है, एक कॉलम में हमने प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स रखी है और ये प्राइस हम रुपीस में हम लोग उसको मेजर करने वाले हैं, और दूसरी साइड और दूसरे कॉलम में हमने क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन केजीज किए हैं, इतने इतने प्राइस में इतना इतना डिमांड। अब हम देखेंगे कि प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड बढ़ती है या प्राइस घटने के बाद। अब हम पढ़ेंगे एक आदमी की, जिसे हम इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बोल रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स जब 10 रुपये है, जब 10 रुपये में क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स कितनी है कंज्यूमर की? 1 किलो है, 1 kg। सो एट रुपीज 10 द कंज्यूमर इज डिमांडिंग ओनली 1 kg। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे प्राइस घटती जा रही है डिमांड बढ़ती जा रही है। सो यू कैन सी एज एंड वेन द प्राइस इज रिड्यूसिंग फ्रॉम रुपीज 10 टू रुपीज 8, फ्रॉम रुपीज 8 टू रुपीज 6, फ्रॉम रुपीज 6 टू रुपीज 4 एंड फ्रॉम रुपीज 4 टू रुपीज 2, यू कैन सी इन द अदर कॉलम वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है। 1 kg से 2 kg, 2 kg से 3 kg, 3 kg से 4 kg और 4 kg से 5 kg। तो हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे कीमत कम होती जा रही है डिमांड उस इंडिविजुअल कंज्यूमर का या कस्टमर का और उस आदमी का बढ़ता जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके कारण एक डिमांड कर्व आई है, वो है डीडी, एंड यू कैन सी इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और वहां पर हमने देखा है कि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सिस पे प्राइस लिखी है। तो वहां से हम इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है कि एक इंडिविजुअल किस तरह डिमांड करता है चीजें। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, जैसे 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 3 से 1, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड वो इंडिविजुअल कस्टमर की बढ़ रही है। 1 kg से 2 kg, 2 kg से 3 kg, 3 kg से 4 kg और 4 kg से 5 kg। अब मैं बहुत श्योर हूँ कि आप लोगों को पता चला है कि किसे डिमांड स्केड्यूल कहते हैं और किसे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। आपने देखा होगा अच्छी तरह वो डिमांड स्केड्यूल, वो डायग्राम में डीडी कर्व आप दिख रहे हैं, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेफ्ट टू राइट। तो ये लेफ्ट टू राइट जो है डिमांड स्केड्यूल, उसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव स्लोप है या पॉजिटिव स्लोप है? पर जब ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो उसे नेगेटिव स्लोप कहते हैं। सो दिस डिमांड कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। नाउ हम थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज मार्केट डिमांड स्केड्यूल। सो व्हाट इज मार्केट डिमांड स्केड्यूल? इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच ऑल द कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल में आपने देखा है कि 5 कॉलम है। पहले कॉलम में प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स है जो हमने रुपीज में बताई है, उसके साथ हमने क्वांटिटी डिमांडेड देखी है केजीज में। किन लोगों की देखी है? जितने सारे कंज्यूमर्स वो मार्केट में प्रेजेंट है उनकी हमने बताई है,
वहाँ पर हमने देखा है 2 से ज़्यादा कंज्यूमर्स अपने हम लोग को दिख रहे हैं स्केड्यूल में, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी। तो जब हम ये तीनों की डिमांड मिलाते हैं या ऐड करते हैं तब जाके अपने को मार्केट डिमांड मिलती है। देन वी गेट द देन वी एड द डिमांड ऑफ ईच एंड एवरी कंज्यूमर, दैट इज कंज्यूमर ए प्लस कंज्यूमर बी प्लस कंज्यूमर सी, देन वी एड टूगेदर वी गेट मार्केट डिमांड। सो ए प्लस बी प्लस सी। अब हम देखेंगे थोड़ी डिटेल में वॉट इज मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो हम लोगों ने देखा है कि जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स 10 है तो कंज्यूमर ए ने 5 किलो कमोडिटी एक्स ली है, कंज्यूमर बी ने 10 किलो कमोडिटी एक्स ली है और कंज्यूमर सी ने 15 किलो ली है। जब हम ये तीनों ऐड करेंगे, कंज्यूमर ए का डिमांड, कंज्यूमर बी का डिमांड और कंज्यूमर सी का डिमांड, तब जाके हम लोगों को मार्केट डिमांड मिलती है। तो हमने क्या देखा, एट रुपीज 10 ऑफ अ कमोडिटी एक्स द टोटल मार्केट डिमांड इज 30 केजीज। आप देख रहे हो अच्छी तरह, जब आप टेबल देखते हो तो हमें पता चलता है जैसे जैसे कीमत घटती जा रही है, जब जैसे जैसे कीमत कम कम होती जा रही है डिमांड, मार्केट डिमांड बढ़ रही है। मैं रुपीज 10 पर मार्केट डिमांड 30 केजीज है, जब रुपीज 10 से रुपीज 8 होती है कमोडिटी एक्स की कीमत या प्राइस, मार्केट डिमांड बढ़ रही है 30 केजीज टू 45 केजीज। उसी हिसाब से आप देखा जाए, जब कीमत 10 से 8 रुपए हो जाती है, 10 रुपए से 8 रुपए होती है, 8 रुपए से 6 रुपये होती है, तब डिमांड और थोड़ी बढ़ रही है। 30 केजीज से 45 केजीज पे जा रहे हैं हम, 45 केजीज से 60 केजीज पे जा रहे हैं जब प्राइस 6 रुपए पे आती है। उसी हिसाब से जब 6 रुपए से 4 रुपए प्राइस हो जाती है कमोडिटी एक्स की, तो डिमांड और बढ़ रही है, 60 केजीज से 75 केजीज हो रही है। और फिर जब 2 रुपए की हो जाती है कमोडिटी एक्स की प्राइस, तब मार्केट डिमांड कितनी हो रही है, 90 केजीज हो रही है। तो रुपीज 10 पे कितनी थी मार्केट डिमांड, 30 केजीज थी, और रुपीज 2 पर आप कितनी है, 90 केजीज है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह प्राइस और डिमांड की रिलेशन है। तो किस तरह है बच्चों, हमें समझ में आ रही है कि जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है डिमांड बढ़ रही है। इसका ही मतलब है कि दोनों में जो रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, उसे हम इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। अब ये इनवर्स रिलेशनशिप और अच्छी तरह हम कैसे देख पाएंगे, एक डायग्राम की हेल्प से। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मार्केट डिमांड कर्व, आप देख पा रहे हो कि डीडी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखी है इन केजीज, जो हमने ऐड की है कंज्यूमर ए की, फिर कंज्यूमर बी की और कंज्यूमर सी की, और तीनों को मिला के क्या होता है, मार्केट डिमांड। सो हम मार्केट डिमांड, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, एक्स एक्सिस पे रखी है, और प्राइस वही कमोडिटी एक्स की वाई एक्सिस पे रखी है। और जब हम अभी देख पा रहे हैं उस स्केड्यूल की हेल्प से, जब हम डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो वी कैन सी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, वी कैन सी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व विच इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच इज सिग्निफाइंग और विच इज टेलिंग अ नेगेटिव स्लोप। एंड दिस एज द प्राइस इज कमिंग डाउन फ्रॉम रुपीज 10 टू रुपीज 8, फ्रॉम रुपीज 8 टू रुपीज 6, एंड हेंस फोर वी कैन सी अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80 एंड 80 टू 100, एंड विच शोज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो इन दिस मार्केट डिमांड कर्व वी कैन सी DD shows an inverse relationship between price and market demanded. And we can see, now what we have learned from this inverse relationship, कि जैसे जैसे price कम होती जा रही है, demand, market demand बढ़ रही है. Okay, तो जब ये phenomena हम देखते हैं, तो उसे हम inverse relationship कहते हैं. So friends, आज हमने क्या पढ़ने की कोशिश की है demand analysis में, हमने इंट्रोडक्शन देखा है डिमांड में, और एक कोट 19th सेंचुरी थॉमस कैरले के कोट से हमने शुरुआत की। वहाँ पर उन्होंने बताया कि एक तोते को भी अगर आप बता दें डिमांड और सप्लाई क्या है, तो वो भी इकोनॉमिस्ट बन जाएगा। तो वी स्टार्टेड विद दैट, फिर हमने मीनिंग ऑफ डिमांड समझने की कोशिश की है, देन वी हैव लर्न द डेफिनेशन ऑफ डिमांड,
देन वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ डिमांड. डिमांड किस दो एलिमेंट्स को रिलेटेड है वो भी हमने पढ़ने की कोशिश की है. उसके साथ ही हमने डिमांड स्केड्यूल पढ़ा है आज. उसमें हमने क्या पढ़ा है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल. फिर हमने आगे जाके थोड़ा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल डिटेल में पढ़ने की कोशिश की और वहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल ने हमें बताया, सिखाया कि हाउ देर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी. फिर हमने थोड़ा सा आगे जाकर मार्केट डिमांड स्केड्यूल पढ़ा और उसमें भी हमने मार्केट डिमांड कर्व भी देखी और वहाँ पर भी मार्केट डिमांड स्केड्यूल में हमने देखा कि देर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी. एंड व्हेन द प्राइस राइजेस द डिमांड फॉल्स एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स द डिमांड राइजेस. आई होप सो आप लोगों को डिमांड कंसेप्ट समझ में आ रही है और उसके साथ ही कंज्यूमर साइकोलॉजी और बिहेवियर भी. थैंक यू फ्रेंड्स.